नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज की हम ये तीसरी क्लास लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमने अभी तक दो क्लासों में हमने देखा है कि दा का यूज कहाँ और कब कैसे होता है। इसके बहुत ही हमने आसान भाषा में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देकर समझा था, और आज की क्लास में हम करेंगे ए और एन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी क्लासे हैं, ये जो सीरीज है आपके जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें इंग्लिश का जो पार्ट आएगा वहां पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और चलो शुरू करते हैं बिना किसी को वक्त जाया करें। क्लास नंबर 3 हम याद आज करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए एन एन, यूज ऑफ आर्टिकल कौन कौन से, ए और एन। ठीक है, ए और एन का आर्टिकल का यूज करेंगे, और ए और एन जो आर्टिकल है इसका उपयोग किस तरह से होता है। तो सबसे पहली बात जो हमेशा ध्यान रखनी है अपन को, तो कंप्लीटली जो होता है, कंप्लीटली ये साउंड पर डिपेंड करता है कि ए आएगा कि एन आएगा। दोनों के लिए रूल्स सेम ही है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो नाउन है उसका साउंड किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, साउंड या ठीक है, साउंड या जैसे हम उच्चारण करते हैं उसके बारे में बताए। ठीक, अब हम बेसिक चीज ये ध्यान रखो कि बेसिक चीज क्या है। इस ए और एन का यूज करने से पहले हमें बेसिक चीज का ध्यान होना चाहिए। एक होते हैं आपके अंग्रेजी में वोवल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वोवल जो होते हैं वो होते हैं आपके 5, कॉन्सोनेंट जो होते हैं आपके 21। इंग्लिश में वर्ड कितने होते हैं, 26। तो 26 में से वोवल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। वोवल्स को हिंदी में बोलते हैं आपके स्वर, और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं आपके व्यंजन, है ना। हिंदी में ये स्वर 11 होते हैं, पता होगा आपको भी, ए आ ई उ, है ना, ये जो होते हैं स्वर होते हैं। व्यंजन होते हैं क ख ग घ, तो इंग्लिश में ये होते हैं 21। ठीक है, तो जो आपके स्वर मतलब वोवल्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके ए आई ओ, है ना, उससे पहले एक और लिखो यहाँ पे ई। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, ए आई ए ई, अरे यार क्या हो, यहाँ पे लिख लो अलग से, ए आई ओ यू। ठीक है, ठीक है, पेन चलाना आता नहीं है ना, कभी ढंग से धीरे धीरे हो जाएगा सब। तो चलिए हम देखते हैं कि यह वोवल्स होते हैं 5। ठीक, 5 कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो भी वर्ड इन पांचों वर्ड पांचों जो है अक्षर इनसे शुरू हो गया है उसे बोलते हैं अपन वोवल्स। ठीक, जैसे हम एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ऑल, ठीक है, ऑनेस्टी। अब आप बोलेंगे ये एच आ गया पर इसमें ए कैसे आएगा, तो वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा अभी, हम आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि इनके अलावा जो भी 21 वर्ड बच गए इंग्लिश में वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो यूज ऑफ आर्टिकल एन, एन आर्टिकल का यूज कैसे होता है, यूज ऑफ हेडिंग डालो आर्टिकल, आर्टिकल एन, एन आर्टिकल का यूज किस तरह से होता है। पेन चेंज करना है क्या, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ना व्हाइट ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है, मैं लिखो आगे, डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, ए का एन का यूज क्या होगा, डिपेंड करेगा किस पे, कि वर्ड के पहले लेटर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ वर्ड्स फर्स्ट लेटर। मैंने अभी बताया ना आपको, उच्चारण पे डिपेंड करेगा ये, है ना, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा ये। कैसे, अब एन कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा, यही ये बात ध्यान रखनी है बस, है ना। इसी तरह से हम
इसमें लिखो यूज ऑफ आर्टिकल ए, इसमें भी यही चीज लिखनी है आपको, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द साउंड, साउंड ऑफ वर्ड, लिखो रूल नंबर, रूल नंबर एक, पेन चेंज कर लेते हैं, रूल नंबर एक, रूल नंबर एक, यहां लिखो रूल नंबर दो, है ना, यहां लिखो रूल नंबर तीन और यहां लिखो रूल नंबर चार, ये रूल जो है चारों एक साथ करेंगे, चारों एक साथ कैसे करेंगे, देखो देखो ध्यान से देखना, चारों रूल एक साथ समझ में आ जाएंगे, किस तरह से होगा कि जब कभी भी पहला अक्षर वर्ड का मतलब पहला लेटर वोवल्स आ जाए और उसका साउंड भी वोवल्स हो, मतलब कोई भी वर्ड है उसका पहला लेटर वोवल्स आ जाए और उसका जो साउंड है ना वो भी वोवल्स हो, स्वर हो, मतलब ए आ ई उ ये हो, है ना। सेकंड रूल्स में क्या है, ध्यान रखना ही, मैं अच्छे से समझ आएगा, दूसरा रूल क्या है कि वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट ही हो, मतलब एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा आपको, देखें ये ध्यान रखो कि पहला लेटर वोवल्स हो, साउंड भी वोवल्स हो। दूसरे रूल्स में क्या है कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा हो। तीसरा रूल क्या है कि पहला लेटर वोवल्स हो और साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा हो, है ना। चौथा रूल क्या है कि पहला वर्ड जो है कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड वोवल्स हो। ध्यान रखो ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट, इनकी चार तरह की कैटेगरी बनती है, चार टाइप के बनते हैं कि वोवल्स ही लेटर हो, वोवल्स ही साउंड हो, कॉन्सोनेंट ही साउंड हो, कॉन्सोनेंट ही लेटर हो, वोवल्स आपके लेटर हो और कॉन्सोनेंट आपके साउंड हो, और इस तरह से यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपके लेटर हो और वोवल्स आपके साउंड हो। तो इस तरह से जब भी आ जाए ना तो हमको ये ध्यान रखना है, केवल हमको उच्चारण पे जाना है, हिंदी में उच्चारण करके देखेंगे हम, तो और कुछ ही नहीं, सबसे इजी ट्रिक है हिंदी में उच्चारण करके देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि पहला लेटर क्या है आपके कॉन्सोनेंट, पहला लेटर आपके वोवल्स हो और साउंड भी आपके वोवल्स हो, तो ऐसे एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, जैसे अपन देखते हैं एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज। तो यहां पे देखो एप्पल कैसे लिखते हैं, एप्पल, हिंदी वाले जो 11 स्वर है ना वो ध्यान रख लो, उसके बाद सबसे इजी है, हिंदी वाले 11 स्वर आप एक बार लिख लेना रफ में, ऊपर कॉपी में कहीं पे भी साइड में, उसके बाद सबसे इजी। देखो हिंदी का है ए, एप्पल, एप्पल ऐसे लिखते हैं, तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये स्वर है, तो स्वर के साथ हमेशा एन आता है, ध्यान रखना स्वर के साथ मतलब वोवल्स के साथ हमेशा एन आता है, और कॉन्सोनेंट जो होता है आपके व्यंजन, व्यंजन के साथ हमेशा ए आता है, ये आप लिख लेना अलग से कोने में, लिख लेना कॉपी के किसी भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्पल ऐसे लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पे एन आ गया, अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं, अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पे स्वर आ गया, है ना। और वैसे भी अगर अपन उसमें देखें किसमें पांच स्वर में ए ई आई ओ यू, इसमें यू आ गया, इधर ए आ गया, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ऑरेंज कैसे लिखते हैं, ऑरेंज स्वर है ना ओ, तो यहाँ पे भी एन आ गया, आगे समझे। अब देखो सेकंड रूल, कॉन्सोनेंट वाले कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट वाले क्या होते हैं कि इसमें है ना कॉन्सोनेंट का जब ध्वनि आती है तो ए आएगा, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। दूसरी चीज यहाँ पे क्या रखनी है कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके, कार, ठीक है, मैन, ठीक है, यहाँ देखो बॉय, कार कैसे लिखते हैं अपन, कार, तो ये क्या आ गया, व्यंजन आ गया, व्यंजन के साथ अपने ए आ गया, है ना। इस तरह से बेसिक तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको। मैन, मैन कैसे लिखते हैं, ये क्या आ गया, व्यंजन आ गया, ये लो ए आ गया, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे आ गया बॉय, बॉय है ना, बॉय कैसे लिखते हैं ना, बॉय, तो बॉय लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन, व्यंजन के साथ ए आ गया, ए बॉय। अब यहाँ पे देखो मेन चीज, ये दो रूल क्लियर हो गए, तीसरा रूल देखो, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, क्या है बात समझने वाली, कि जब भी वोवल्स तो लेटर हो और कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही हो, साउंड कॉन्सोनेंट का हो मतलब व्यंजन, सबसे पहले कुछ नहीं करना अपन को, क्या कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं करना अपन को, तो जो भी एग्जांपल आएगा उसको हिंदी में लिख देंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट
का साउंड आएगा तो ए आएगा, ये ध्यान रखना है। मैंने जैसे आपको बताया साउंड, केवल साउंड को ध्यान है कि साउंड कैसा आ रहा है, स्वर आ रहा है, वोवल्स आ रहा है, या कॉन्सोनेंट या व्यंजन आ रहा है, तो अगर ए और एन का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बताऊँ आपको, यूनियन, यूनियन है ना। अब जैसे यहाँ पे वोवल्स, पहला लेटर वोवल्स आ गया ए ई आई ओ यू में से, ठीक है, परंतु वोवल्स तो आ गया लेकिन यहाँ साउंड कैसा हो रहा है, यू नी यन, यूनियन, तो ये आ रहा है, तो ये क्या है, सबसे पहले बताओ ये क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, हिंदी में व्यंजन है ना, व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या आता है, ए, ये देखो ए आ गया, ये वेरी मतलब बिल्कुल सही है ना। अगर हम इसको देख के हम इसमें एन लगा देते तो वो गलत हो जाता, हमको केवल हिंदी में लिख के देखना। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, चलो यूरोपियन ले लो, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। अब ई मतलब वोवल्स का लेटर आ रहा है लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, यूरोपियन कैसे लिखते हैं, यूरोपियन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, सही है। अब देखो रूल नंबर 3 क्लियर, अब देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है कि कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए और वोवल्स की ध्वनि आ रही हो, कैसे, एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे आपको मैं बताऊं, एम ए, एम ए होती है ना अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, एस पी, एस आई, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एक्स मास्टरी, पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, एक्स रे। अब देखो यहाँ पे वोवल्स का साउंड आ रहा है लेकिन यहाँ पे वर्ड कौन से, कॉन्सोनेंट है, एम ए कैसे लिखते हैं अपन, चलो हिंदी में लिखना है अपन, कुछ नहीं करना, एम ए, ये क्या है, वोवल स्वर है हिंदी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके, एन, एन एम ए। एस पी कैसे लिखते हैं, एस पी, तो यहाँ पे ये लो वोवल्स का आ रहा है ना, स्वर का आ रहा है ना, ये लो, ठीक है, एस आई, ये भी सेम ही होगा, ठीक है, एक्स मास्टरी, तो एक्स, ऐसे ए आ गया, स्वर आ गया, तो यहाँ पे क्या है, एन, यहाँ पे भी एन, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये वर्ड समझ में आ गए आपको, बिल्कुल आ गए होंगे, है ना। और अब देखो हम और थोड़ा सा इसमें, और मतलब जिनको नहीं आया वो यहाँ पे ध्यान दे रहे ना, अभी आपको भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अपन करेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे, जैसे हम देखते हैं, ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश, एम ए इन इंग्लिश, ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश, मतलब यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ए अंदर लगाना है, तो दांतों में लगाई लगेगा नहीं क्योंकि अपन तो ए और एन पढ़ रहे हैं ना अभी, उसमें ध्यान रखा, ही इज एम ए, तो एम ए वोवल्स का साउंड आ रहा है, चाहे कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है पहला लेटर, परंतु वोवल्स का साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपके एन, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, ही इज डैश, अब ये क्लियर हो जाएगी सारी चीज, इन इंग्लिश, ही इज बी ए इन इंग्लिश, अब देखो ही इज, देखो मैंने बोल ही दिया ही इज बी ए, अब बी कैसे लिखते हैं, बी ए, तो बी क्या है, व्यंजन, व्यंजन के साथ आता है ए, आ गया अंतर समझ में, अंतर समझ में आ गया ना। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हर अंकल, हर अंकल इज डैश एमएलए, ठीक है, ही हर अंकल डैश, हर अंकल इज डैश एमएलए, एमएलए कैसे लिखते हैं, एम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी। हर अंकल, हर अंकल, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना वो, उसकी दुविधा मिट जाएगी अभी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लो, या सॉरी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, एमएलए की फुल फॉर्म होती है ना, इसको हमने खोल के लिख दिया, तो अब देखो इसमें मेंबर कैसे लिखते हैं, मेंबर, एक एम देखेंगे, अब इसमें देखो मैं मतलब व्यंजन, व्यंजन आ गया, तो व्यंजन के साथ क्या आता है, व्यंजन के साथ आता है आपके ए, आ गया, हर अंकल इज ए, हर अंकल इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
एमएलए के साथ एन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको हमने खोल दिया, मेंबर फुल फॉर्म लिख दी, तो यहाँ पे व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो व्यंजन की ध्वनि के साथ ए आ रहा है। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, ठीक है चले यहाँ पे आगे। एक एग्जाम्पल और बताओ, एक एग्जाम्पल लिख लो, ही इज, आप बताना चलो इसका, ही इज आरिश है ना, और ही इज आरिश ऑफिसर, ठीक है। आप इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बताओ बताओ बताओ। देखो ही इज आर एस, आर एस क्या होता है, आर ए एस, आर एस क्या होता है, आर एस क्या होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो ये तो एक क्या है, पोस्ट है, तो पोस्ट कोई थोड़ी ना हो सकता है, कोई पोस्ट थोड़ी हो सकता है, ही इज आर एस ऐसे नहीं होगा, ही इज एन आर एस ऑफिसर, एन क्यों आएगा, इसकी वजह से, ठीक है। ही इज आर एस, ही इज ए आर एस ऐसे नहीं होगा, ही इज आर एस ये होगा, क्रॉस आएगा या जीरो आर्टिकल, ध्यान रखना ये आर एस क्या है, पोस्ट है, ये पोस्ट के हिसाब से ऑफिसर लग गया ना, अब जाके एन आ गया, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कह दिया कि वो एक आर एस ऑफिसर है, अब ही इज आर एस ये थोड़ी ना होता है कोई, ठीक है। ये आ गया आपके इसमें रूल नंबर चार, एक साथ हो गए। अब देखो रूल नंबर पांच, राइटिंग समझ में आ रही होगी, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, राइटिंग आ ही रही होगी आपको समझ में। अब देखो पांच, इसको मैंने माना है यू, यू की दो ध्वनि निकलती है, एक तो निकलती है ये और एक निकलती है ए, तो ये जब भी ध्वनि निकलती है तो इनके कौन कौन से वर्ड होते हैं, यूनियन, यूनिक है ना, और ए की ध्वनि निकलती है तो कौन कौन से होते हैं, अमरेला, अम्ब्रेला, क्रिकेट का जो एम्पायर होता है ना, एम्पायर। तो जब भी जे की ध्वनि आ रही है तो ए आएगा, ए की आ रही है तो एन आएगा, ये ध्यान रखना है ना। अब रूल नंबर देखो सिक्स, रूल नंबर सिक्स क्या लिखा हुआ है, कि आपके एच, एच में दो ध्वनि निकलती है, एक तो निकलती है की और एक निकलती है आपके साइलेंट वाला, ऋतिक रोशन वाला, साइलेंट वाला, ठीक है। तो है में कौन सी निकलती है आपके, हाउस है ना, हॉर्स, हॉस्ट, है की ध्वनि आ रही तो है मतलब क्या है, व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या आता है आपके ए, ये रूल्स लिख लो ना, साइलेंट जब भी होता है जैसे हो गया आपके और, ठीक है, ऑनरेरी, एयर, एयर, ठीक है, एयर नहीं बोलते, सो एयर बोलते हैं, एयर है, साइलेंट रहता है, इसके साथ आता है आपके एन, जैसे ए हो गया आपके होटल, होटल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ए की साउंड आ रही है, ठीक, अब इसको होटल को होटल भी बोलते हैं कभी कभी, है को साइलेंट कर लेते हैं, लेकिन इसमें होटल का एक ऐसा नियम है कि 100% होटल में जब भी होटल दिख जाए तो ए ही लगाना है, जैसे होटल बोल देते हैं, है एच को साइलेंट कर देते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि होटल में आपको हमेशा ए लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल नंबर सेवन की तरफ चलते हैं, रूल नंबर सेवन, रूल नंबर सेवन, रूल नंबर सेवन क्या कहता है कि इसमें होता है ओ, ओ में आता है एक तो ए का साउंड और ओ में आता है एक वे का साउंड, अब ओ का, वे का और ए का कैसे, ए का देखो यूनियन, यूनियन ही सॉरी ओनियन, ओनियन ओवल, इसके साथ आ गया एन, ए का साउंड आ रहा है, और वे का केवल एक वर्ड है वन, इसमें क्या आएगा ए, क्या आएगा ए। देखो अब रू आ गया रूल नंबर एट, रूल नंबर एट में क्या लिखा हुआ है आपके,
यूनिट एंड प्राइस, यूनिट एंड प्राइस, यूनिट एंड प्राइस मतलब इकाई एवं मूल्य का नियम, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, लिखो तो इकाई एवं मूल्य का नियम, ठीक है, इकाई एवं मूल्य का नियम। इसका एग्जांपल देखो, जैसे इसका एग्जांपल देखो, मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, अभी क्लियर होगी चीजें, मिल्क इज सोल्ड सोल्ड 50 रुपीज ए लीटर, ए लीटर। अब यहाँ पे एक एक और दिखाता हूँ मैं आपको, अरे एक काम करते हैं, इन दोनों की समझ लेते हैं, इन दोनों को समझने में क्या है, देखो मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, है ना, ये ध्यान रखना यूनिट और प्राइस का नहीं है। एक इसमें सेकंड एग्जांपल के लिखा, मिल्क इज सोल्ड रुपीज 50 लीटर, मतलब अब इसमें से ये देखना है कि यूनिट के लिए कौन सा बता रहा है और प्राइस के लिए कौन सा बता रहा है, आप बताओ। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर मतलब दूध लीटर में बेचा जाता है, तो ये यूनिट हो गया, यूनिट का बता रहा है ना, यूनिट।